गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पुट द साइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पुट द साइन का मतलब क्या होता है। आपको तीन साइन पुट करने होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू। आपको बताना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है या फिर कौन से नंबर इक्वल हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर बड़ा होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे हम ये वाला साइन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको, 287 एंड 521। पहले तो ये देखो कि तीन डिजिट में हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 100 प्लेस से, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखनी होती है, 100 प्लेस देखनी होती है। यहाँ पे देखो 100 प्लेस कौन सी है, काउंट करो, वंस, टेंस और ये 100। इसमें वंस, टेंस, 100, तो ये है 100 प्लेस यहाँ पर और यहाँ पर है 5। तो आपको पता है, देखो अब 2 और 5 में से कौन सा बड़ा है, काउंटिंग करते हो तो कौन सा पहले आता है, 1 2 3 4 5। मतलब बड़े से, सॉरी छोटे से हम बड़े पर जाते हैं, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, ऐसे ही काउंटिंग बढ़ती रहती है, राइट। तो 2 के बाद आता है 5, तो कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, 2 से बड़ा क्या है, 5। तो आप साइन कैसे पुट कर दोगे, ऐसे, ठीक है। मींस जिसकी तरफ ये फेस, ये ओपन होता है वो क्या होता है, ग्रेटर, और जिसकी तरफ ये क्लोज होता है वो क्या होता है, लेस देन। ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमें क्या काउंट करना है, 100 प्लेस, वंस, टेंस, 100। 100 प्लेस क्या है, 7। यहाँ पे 100 प्लेस कौन सी है, वंस, टेंस, 100। तो देखो 1 और 7 में से कौन सा बड़ा नंबर है, 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद 3 4 5 6 7, मींस 1 से ग्रेटर है 7, राइट। तो यहां पर कौन सा होगा बड़ा नंबर, ये। तो हमारा साइन किसकी तरफ ओपन होगा, 721 की तरफ, राइट। ये थर्ड वन है, देखो आप खुद करके देखो, इसको पहले अपनी नोटबुक लेकर बैठो और ट्राई करो कि इसमें से कौन सा बड़ा है, फिर मैं आपको बताती हूँ। काउंट करो, वंस, टेंस, 100, और यहाँ पर वंस, टेंस, 100। तो 4 और 2 में से आपको देखना है कौन सा बड़ा है, बताओ मुझे कौन सा बड़ा है, यहाँ पर 4 बड़ा है। तो किसकी तरफ साइन कर दोगे, 4 की तरफ, राइट। अब देखो बेटा, ये तो सब क्या थे, जिस ग्रेटर और लेस देन। अगर नंबर हो जैसे 461 और यहां पर भी क्या हो, 461, अब यहां पर क्या होगा, ये सेम है 100 प्लेस हमारी, उसके बाद हमारी टेंस प्लेस भी सेम है, वंस प्लेस भी सेम है। जब हमारी सारी प्लेस वैल्यू सेम हो तो किसका साइन आता है, इक्वल का साइन आता है, ठीक है। ये क्या है हमारी, सेम है। तो आपके पेज नंबर 19 पे आपको 100 प्लेस देखकर पुट द साइन लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, देखिए मैं इसको रफ कर देती हूं, अब ये ट्राई करके देखते हैं। वो हमने किसमें की थी, कि वो हमने 100 प्लेस वैल्यू को चेक किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम टेंस पर आएंगे। 100 के बाद क्या लिखा होता है, टेंस लिखा होता है। तो देखिए यहां पर आपकी 100 प्लेस है जो, अब ये ट्राई करो, 100 प्लेस क्या है, सेम है। तो भी कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा, क्योंकि 100 प्लेस तो सेम है। तो अगर 100 प्लेस सेम है तो आप नेक्स्ट पे चलोगे, मतलब 1 के बाद आप 2 टेंस पर जाओगे, ठीक है। 8 को देखो, यहां पर 8 है, इसकी भी टेंस प्लेस पर जाओगे। अगर आप इसकी टेंस प्लेस देख रहे हो तो इसकी भी टेंस देखेंगे, क्योंकि 1 तो सेम है, हमें पता ही नहीं लगा कि भाई कौन सा ग्रेटर है। तो नेक्स्ट पे मूव करेंगे, तो टेंस प्लेस हमारी यहाँ पर क्या है, 3 है, राइट। तो आपको पता है 8 और 3 में से कौन सा नंबर बड़ा है, ऑब्वियसली 8 बड़ा है। तो साइन किसकी तरफ ओपन होगा हमारा, ग्रेटर साइन, 185, ठीक है। कौन सा नंबर बड़ा है, 185। एक और एग्जांपल देखो, 638 और 643, इसमें देखो 100 प्लेस सेम है, राइट। तो कहाँ जाना है, आगे मूव करना है, 3 पर और यहाँ पर 4 पर, टेंथ प्लेस पे मूव करेंगे अगर हमारी 100 प्लेस सेम है। तो 3 और 4 में से कौन सा बड़ा है,
ऑब्वियसली कौन सा बड़ा है? फोर बड़ा है, थ्री के बाद आता है फोर, तो साइन हमारा कहाँ लगेगा? फोर की तरफ। उसके बाद है हमारा 199 एंड 194। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, 100th प्लेस सेम है, यहाँ पर भी सेम है, उसके बाद 10th प्लेस भी सेम है हमारी। अब हम क्या करें, 100th भी सेम है, 10th प्लेस भी सेम है, तो आप कौन सी बची सिर्फ 1st प्लेस, मतलब लास्ट डिजिट बचा। तो लास्ट डिजिट में देखो कि कौन सा बड़ा है, 9 या 4। 9 बड़ा है तो कहाँ साइन लगा दोगे? 9 की तरफ, राइट। ऐसे ही अगले में देखो, 100th प्लेस सेम है, उसके बाद 10th प्लेस सेम है, कौन सी बची लास्ट वाली? तो देखो 1 और 8 में से कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है, तो किसकी तरफ साइन लगा दोगे? 8 की तरफ, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप दोबारा से देख लो ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है, और आपको इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।